आगे वो फोर्थ चैप्टर में एक एक्चुअली वो दो सवाल पूछते हैं रोमियो के तीसरे अध्याय में, कि पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि यहूदे होने का क्या लाभ, दूसरा सवाल ये वो ये पूछते हैं कि तो खतना क्या है, खतना क्यों करते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या खतना करने से तुम इब्राहिम के संतान नहीं माने जाते क्या, क्योंकि तब तक वही माना जाता था। तो उसको फिर वो समझाने लगते हैं। हम जेनेसिस में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक वादा किया और इब्राहिम के साथ उन्होंने एक वाचा बनाई, और वो वाचा ये थी कि इब्राहिम के जो संतान थे, इब्राहिम का जो बीज, इब्राहिम के जो वंशज हैं, वो क्या करेंगे, इस पूरी पृथ्वी के वारिस बनेंगे। पर वो ये अब सवाल प्रेरित पौलुस पूछते हैं कि उनको ये प्रॉमिस जो परमेश्वर ने जो ये वादा किया कैसे किया, इसीलिए किया क्या क्योंकि उन्होंने खतना करा? तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे किया होता तो इब्राहिम घमंड करते कि मैंने देखो खतना किया इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये वाचा बांधा। पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि पर इब्राहिम ने कुछ घमंड नहीं किया, क्योंकि वो जो वादा है वो खतना करने के द्वारा नहीं या कुछ अच्छे कर्म करने के द्वारा नहीं, पर अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। क्योंकि अगर किसी ने कर्म किया तो उसको जो मिलती है वो उसकी तनख्वाह जो है उसका हक बनता है, अगर ऐसे है तो वो अनुग्रह से माना नहीं जाएगा, वो अनुग्रह का नहीं होगा। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह से इब्राहिम को वो वादा किया, और हम पढ़ सकते हैं कि उत्पत्ति में वो ऐसे लिखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये चीज उसको धार्मिकता के लिए गिनी गई, और उसने क्या किया, जो वादा परमेश्वर ने किया था उसको वो, हम देखते हैं कि वो विश्वास करते रहा, और उसने जो वादा परमेश्वर का था इसहाक, उसके लिए इसहाक, उसको उसने पा लिया, विश्वास से उसको पा लिया। उसके बाद वो दाऊद का उदाहरण देते हैं कि दाऊद को भी इस गिनी गई धार्मिकता के बारे में एक प्रकटीकरण था। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 के 2 में, और उसी चीज़ को वो रोमन्स 4:8 में यहाँ वो कोट करते हैं कि दाऊद ने कहा कि धन्य है वे जो जिनके खिलाफ परमेश्वर उनके पापों को नहीं गिनता। तो वो एक यहाँ गिनी हुई एक धार्मिकता की वो बात करते हैं। फिर वो रिवाइज करते हैं टाइमलाइन की इब्राहिम की स्टोरी को, वो ऐसे बताते हैं कि वो जो खतना का जो रीति है इब्राहिम को कब दिया गया था। वो कहते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो वो धर्मी ठहराने के बाद या धर्मी ठहराने से पहले, उत्पत्ति के 15 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। उसके बाद हम देखते हैं उसने विश्वास किया और उसी चैप्टर में परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं उसके साथ। ये जो चीज़ है वो उत्पत्ति के 15 चैप्टर में होता है, पर खतना की जो बात होती है वो परमेश्वर आगे जाके करते हैं, हम पढ़ सकते हैं उसको उत्पत्ति के 17 चैप्टर में। और वो जो उन्होंने वाचा बांधी, इब्राहिम जब विश्वास से धर्मी ठहर गया उसके बाद वो जो वाचा बांधी उसको वो वापस बताते हैं, दोहराते हैं, और उसको जो ये खतना की जो रीति है एक चिन्ह, उस वाचा का एक चिन्ह जैसे वो देते हैं, ताकि वो उस वाचे को याद रखे और उसकी जितनी भी पीढ़ी है वो हमेशा उस वाचे को विश्वास के द्वारा याद रखे। ये जेनेसिस 17:11 में लिखा है। तो अभी वो पूछते हैं कि तो इब्राहिम का वारिस कौन है या इब्राहिम के संतान कौन है। इसका उत्तर वो देते हुए ऐसे कहते हैं कि जिसने खतना नहीं करा है, पर जिसने इब्राहिम ने जो विश्वास किया, ऐसे इब्राहिम जैसे जिसने विश्वास किया है वो परमेश्वर का संतान है या इब्राहिम का वारिस है, और वो जिन्होंने खतना करा है, पर सिर्फ खतना करा है वो नहीं, जिन्होंने खतना करा है पर विश्वास, पर जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया वैसे विश्वास भी करा है, उनको माना जाएगा इब्राहिम के वारिस, और इब्राहिम को जो प्रॉमिस दिया गया था, जो परमेश्वर ने जो वादा किया था, उसका भी वो वारिस बन जाएगा, यानी दुनिया का राज
इब्राहिम को जो परमेश्वर ने वादा किया था वो इब्राहिम के संतानों को मिलेगा, यहूदी हो या गैर यहूदी हो, दोनों ही विश्वास के द्वारा। फिर आगे हम चौथे अध्याय में आगे वो बताते हैं कि इब्राहिम ने कैसे विश्वास किया, सारी परिस्थिति विपरीत थी फिर भी जो परमेश्वर का जो वचन है उसने उसको विश्वास किया, और उसने कैसे विश्वास किया, उसने देखा नहीं परिस्थितियों को नहीं देखा पर सिर्फ परमेश्वर के वचन को वो देखता रहा, और इसीलिए उसको धर्मी ठहराया गया, धार्मिक गिना गया, धार्मिकता गिनी गई, उसके खाते में गिनी गई। और हम भी जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को दिया और मरे हुए में से जी उठाया, हम पे भी ये धार्मिकता गिनी जाएगी।